नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन लग्न यानी कि पिशीस एसेंडेंट का अगस्त 2023 का महीना कैसा रहेगा, आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 12 नंबर लिखा हुआ है तो मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रह आपके किस किस स्थान पर शुरुआती तौर पर बैठे हुए हैं। तो गुरु राहु आपके दूसरे स्थान पर बैठे हुए हैं, सूर्य आपके पांचवें स्थान पर बैठे हुए हैं, शुक्र मंगल बुध आपके छठवें स्थान पर बैठे हुए हैं, केतु आपके अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके ग्यारहवें स्थान पर बैठे हुए हैं और शनि आपके बारहवें स्थान पर बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पे मैंने गोचर लिख दिया है। तो शुक्र का गोचर हो रहा है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को शुक्र वक्री होकर के आपके छठवें भाव से पांचवें भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं सूर्य का गोचर 17 अगस्त को आपके पांचवें भाव से छठवें भाव में हो रहा है। मंगल का गोचर 18 अगस्त को आपके छठवें भाव से सातवें भाव में हो रहा है और बुध 24 अगस्त को आपके छठवें भाव में ही वक्री हो जाएंगे। देखिए यहां पे अगर दृष्टि की मैं बात करूं तो देखिए दृष्टि का आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मार्किंग किया हुआ है। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए डॉट मार्किंग कर दिया और मंगल की दृष्टि के लिए हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके 12वें स्थान पे बैठ करके 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे स्थान पे, 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके छठवें स्थान पे। देखिए यहाँ पे स्टार मार्किंग दिख रहा है ना आपको, तो आपके समझने के लिए किया है। और 8 9 10 दसवीं दृष्टि डाल देते हैं आपके 9th हाउस में। वहीं पे गुरु की दृष्टि की अगर हम बात करें तो गुरु आपके दूसरे भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि डाल रहे हैं आपके छठवें भाव पे, 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव पे और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें भाव पे। मंगल की अगर मैं दृष्टि की बात करूं तो देखिए मंगल यहां पे बैठे हुए हैं, तो यहां से जब दृष्टि डाल रहे हैं तो सिर्फ हैश मार्किंग है और जहां जहां उनकी दृष्टि गोचर के बाद पड़ेगी उसके लिए मैंने सर्कल मार्किंग कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी पड़े। तो मंगल की देखिए यहां पे 1 2 3 4 चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव पे, 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव पे और 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे। वहीं जब मंगल का गोचर हो जाएगा तो एक एक घर देखिए बढ़ जाता है। तो यहां पे आपकी चौथी दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है, 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है और 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव में। लग्न पर आपके कोई ग्रह नहीं है पर मंगल की दृष्टि पूरे महीने आपके लग्न पर पड़ रही है और यहां जो लग्न के स्वामी आपके गुरु हैं वो आपके दूसरे भाव में विराजमान है। यहां पे लग्न पे आपके मंगल की दृष्टि पड़ने से आप अपने आप में एनर्जेटिक तो महसूस करेंगे पर आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। अभी आपका आपके सेविंग पर विशेष तौर पर ध्यान रहेगा। 22 अप्रैल को देखिए यहां पे गुरु का आपके दूसरे भाव में गोचर हो गया था। जब आपके दूसरे भाव में जब आपके लग्न के स्वामी बैठे तो उसके बाद से ही आपका आपके परिवार के प्रति फोकस रह रहा है, आपका ध्यान आपके परिवार के प्रति रह रहा है। यहां पर आप शनि की 7.5 के पहले चरण में हैं। दूसरे भाव में आपके गुरु राहु विराजमान है और शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है और यहां मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि 18 अगस्त के बाद पड़ रहेगी। यहां पर गुरु जो विराजमान है वो आपके लग्न और आपके दशम भाव के स्वामी हैं जो आपके दूसरे भाव में विराजमान है। जब आपके दूसरे भाव में 18 अगस्त के बाद मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो आपको पारिवारिक कलेश का सामना करना पड़ेगा। देखिए 12 अप्रैल 2022 के बाद आप ये महसूस किए होंगे कि आपके परिवार में थोड़ा बहुत जिद आ गया होगा। यहां पे जब राहु का आपके गोचर हुआ था उसके बाद से आपके परिवार के जो सदस्य लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं आप जिद महसूस कर रहे होंगे। देखिए यहां पे गुरु आपके चूंकि दशम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके धन की वृद्धि होगी। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि आपके तीसरे भाव में चंद्रमा 9 तारीख को सुबह 7:43 पे आएंगे और 11 तारीख को सुबह 4:26 पे आपके चौथे भाव में गोचर कर जाएंगे और आपके तीसरे भाव के जो स्वामी हैं वो आपके छठवें भाव में 6 अगस्त तक विराजमान हैं। यहां पे हम लोग तीसरे भाव से पराक्रम, दिल्ली का प्रवास, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, इसको देखते हैं।
देखिए यहाँ पे जो शुक्र का गोचर हुआ था वो हुआ था 7 जुलाई को, और शुक्र यहाँ पे 7 जुलाई से 6 अगस्त तक आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, जो आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो उससे आपके शत्रु जो है, शत्रु से भी आपको हिम्मत कहीं ना कहीं मिली होगी, जो शत्रु होते हैं या कॉम्पिटिटर होते हैं उससे आपको हिम्मत मिली होगी। और वही शुक्र 7 अगस्त को जब वक्री होकर के आपके पंचम भाव में जाएंगे, तो जो लोग साधना करते हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। यह समय आप विशेष तौर पर अपने बड़े बच्चों पर ध्यान दें। देखिए यहां पे जो शुक्र है वो चंद्रमा के घर में विराजमान है, और चंद्रमा यहां पे 13 तारीख को सुबह 4:26 पे आपके पंचम भाव में आएंगे, और 16 तारीख को शाम 4:57 तक रहेंगे। देखिए यहां पे ये जो ऊपर में जो नंबर्स लिखे हैं ये चंद्रमा के गोचर के लिए है। तो 13 से 16 तारीख तक आपको आपके बच्चों पे बहुत ज्यादा नजर रखना है। हो सकता है इस समय वो अपोजिट सेक्स के साथ अट्रैक्ट हो जाए और किसी के साथ उनका अफेयर भी चल जाए। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर यहाँ पे चौथे भाव के जो स्वामी हैं वो आपके छठवें भाव पे बैठे हुए हैं, और 24 अगस्त को ये आपके छठवें भाव पे वक्री भी हो जाएंगे। देखिए चौथा भाव होता है सुख का, वाहन का, माता का, घर का। यहां पर आपको आपके शत्रु से भी कहीं ना कहीं सुख मिल रहा होगा। देखिए यहां पे आपको आपके माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि यहां पे चौथे भाव का जो स्वामी है वो आपके छठवें भाव में है, और आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम अभी हो रहा होगा और आगे भी होने की संभावनाएं हैं। तो एसिडिटी के लिए थोड़ा सा अपने आप को प्रिकॉशन रखिए, टाइम टाइम पे थोड़ा बहुत खाते रहिएगा तो एसिडिटी नहीं होगा, भूखे पेट बहुत देर मत रहिए। पांचवें भाव में आपके सूर्य विराजमान है, और वक्री शुक्र आपके 7 अगस्त को आपके पांचवें भाव में आ जाएंगे। पांचवें भाव से हम संतति को देखते हैं, साधना को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं, पढ़ाई को देखते हैं। देखिए यहां पे आप 17 जुलाई के बाद आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे थोड़ा आपका बात नहीं सुन रहे हैं और विरोधी हो गए हैं। जो बच्चे अभी विरोधी आपके हैं उनमें आपके बदलाव आपको 17 अगस्त के बाद देखने मिलेगा। अभी जो आपके बच्चों की तबीयत में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिल रहा है वो भी 17 अगस्त के बाद उसमें आपको सुधार देखने मिलने वाला है। यहां जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी पढ़ाई पे विशेष तौर पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बहुत फोकस रखना है। हो सकता है उनको पढ़ाई में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े, हो सकता है उनका पढ़ाई से मन हटे या फिर पढ़ाई में कुछ बाधाएं उनके उत्पन्न हो सकती हैं। पंचम भाव में आपके शुक्र 1 से 6 तारीख तक विराजमान है, मंगल 1 से 17 अगस्त तक विराजमान है, बुध पूरे महीना रहेंगे और 24 अगस्त को आपके छठवें भाव में ही वक्री भी हो जाएंगे, और सूर्य का गोचर आपके 17 अगस्त को हो रहा है। यहां सूर्य अपनी राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं, और यहां पे सूर्य बुध की युति हो रही है 17 अगस्त के बाद, जिससे कि बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। देखिए यहां पे आपके बुध आदित्य योग का जो निर्माण हो रहा है छठवें भाव में, उससे आपके जो शत्रु या कॉम्पिटिटर होते हैं उससे आपको कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, पर आप इस परिस्थितियों में भी अच्छी तरीके से अपने सूझबूझ से आप इससे बाहर निकल जाएंगे। देखिए यहां पे आपके शत्रु का तो नाश होगा लेकिन उसमें आपका खर्चा भी होने वाला है। सातवें भाव में आपके मंगल 18 अगस्त को गोचर कर जाएंगे। सातवां भाव जो होता है वो आपके स्पाउस और आपके भागीदार का होता है, और जो मंगल है यहाँ पे आपके, देखिए यहाँ पे दूसरे और आपके नवम भाव के स्वामी है जो आपके सातवें भाव पे विराजमान है। मंगल की इस गोचर से आपके स्पाउस या फिर आपके जो भागीदार होते हैं उनके नेचर में एग्रेसिवनेस आपको देखने मिलेगा, और आप दोनों के झगड़े भी बढ़ेंगे। देखिए आपके नवम भाव के स्वामी चूंकि आपके सप्तम भाव में हैं, तो यहाँ पे आपके स्पाउस और जो आपके भागीदार होते हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं लकी तो साबित होने वाले हैं, पर आपको आपके गुस्से पे कंट्रोल रखना है। अगर वो कुछ बोल भी दे रहे हैं तो इस बात को अवॉइड कीजिए और अपना आगे बढ़ते चाहिए, खासकर 18 से 21 तारीख तक, क्योंकि ये बुध का घर है, और बुध के घर में जब चंद्रमा आएंगे तो अपने वाणी पे हो सकता है आपका स्पाउस या आपका बिजनेस पार्टनर जो है वो कंट्रोल ना रखे और कुछ ऐसा बोल दे जो आपको पिंच कर दे, तो खासकर 18 से 21 तारीख को आप संभल करके रहें। देखिए यहां पे अष्टम भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और जो आपके अष्टम भाव के स्वामी है वो आपके 1 से 6 तारीख तक आपके षष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपके शुक्र से भी आपका, देखिए यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, हालांकि ये विपरीत राजयोग का निर्माण हार्डली 6 दिन के लिए है, बट आपका विपरीत राजयोग का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। देखिए शुक्र जो है आपके 7 जुलाई को आपके षष्टम भाव में आए थे, तो 7 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में आपने ये नोटिस किया होगा जहां आपका खर्चा हो रहा है कॉम्पिटिटर पे, बट आपके कॉम्पिटिटर जो है
आपको कुछ परेशानी जो क्रिएट कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपके कॉम्पिटिटर आपके कंट्रोल में आ जा रहे हैं और उनका नाश हो रहा है। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर दृष्टि की अगर हम बात करें तो नवम भाव में मंगल की घर में ही मंगल की दृष्टि पड़ रही है और वक्री शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। यहां पे 17 जून के पहले आपका जो नसीब कम साथ दे रहा था उसके मुकाबले आपका लक फैक्टर कुछ हद तक सुधरा है, और जो आपके नवम भाव के स्वामी हैं वो आपके 17 अगस्त तक आपके छठवें भाव पे विराजमान हैं। देखिए यहां पे 30 जून के बाद आप ये नोटिस किए होंगे कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स या शत्रु जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए लकी साबित हो रहे होंगे, कुछ काम आपका बिगाड़ने जा रहे होंगे और किस्मत से आपका काम उसमें भी निकल करके आपका काम बैठ जा रहा होगा। और वही मंगल जब आपके 18 अगस्त को आपके सप्तम भाव में जाएंगे तो आपके स्पाउस या भागीदार से आपका भाग्य उदय होगा। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं विराजमान है, हालांकि गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है और 18 अगस्त के बाद आपके मंगल की दृष्टि भी आपके दशम भाव में पड़ने वाली है। यहाँ पे जो दशम भाव के आपके स्वामी है वो आपके दूसरे भाव में विराजमान है। यहां पर आप जो भी काम करेंगे उससे आपके धन की तो वृद्धि होगी, पर देखिए चूंकि शनि की 7.5 चल रही है तो पैसा टिकने का चांसेस कम रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। हालांकि 17 जून के बाद आप ये नोटिस किए होंगे कि आपका कुछ सेविंग्स बढ़ा होगा, हो सकता है आपको पिता से कोई पैतृक संपत्ति अभी मिले। अगर आप अभी अपना फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रह रहा होगा, पर 18 अगस्त के बाद आप अपने कार्यस्थल में किसी भी विवाद से बचें। देखिए जो दशम भाव होता है वो होता है पिता का होता है, बॉस का होता है, काम का होता है, और दशम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो यहां पे आप ये हो सकता है कि आपका आपके बॉस पिता या फिर आपके ऑफिस में कोई विवाद होए, और ऐसे भी आपका बॉस जो है बॉस का टेंपर अभी बहुत ज्यादा हाई रहेगा ये 18 अगस्त के बाद, तो आपको अभी किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है। 11वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, हालांकि चंद्रमा 2 तारीख को रात की 11:26 पे आपके 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे, और यहां पे आपके जो 11वें भाव का स्वामी है वो आपके 12वें भाव में विराजमान है। अभी देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया जितना भी आप कमा रहे होंगे आपका लगभग उतना पैसा आपका खर्चा हो जा रहा होगा। हाँ, जो लोग लेकिन फॉरेन में हैं उनके लिए ये समय अच्छा है। 12वें भाव में आपके वक्री शनि विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शनि यहाँ पे अपने घर में ही बैठे हुए हैं। देखिए 12वें भाव से हम खर्च को देखते हैं, फॉरेन को देखते हैं, हॉस्पिटल को देखते हैं, जेल को देखते हैं। यहाँ पे स्पेशली 17 अगस्त तक देखिए आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आपको किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है। अगर आप विवाद में पड़ेंगे तो आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं शनि यहाँ पे अपनी राशि में बैठे हैं तो शनि से आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। वैसे तो देखिए आप यहाँ पे शनि की 7.5 के पहले चरण में, पर अभी आप अपने दम पे सब कुछ हासिल करेंगे। जिस काम को लेके आप यहाँ पे खर्च करेंगे वो काम से आपको फायदा होने वाला है। आप अपने आरोग्य पे खर्चा करेंगे, परदेश के लिए आपका खर्चा होगा। देखिए यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपके पांव या फिर आपके तलवे जो होते हैं उसमें आपको दर्द हो रहा होगा। आइए हम लोग गुड डेट्स और बैड डेट्स देख लेते हैं। तो गुड डेट्स में अगर आप कोई कंपनी के साथ नया एग्रीमेंट कर रहे हैं तो आप इस डेट को कंसीडर कीजिए। कहीं कंपनी में अगर आप कोई ज्वाइनिंग लेने वाले हैं तो इस डेट को आप रखिए, ये डेट आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस डेट को आप रखिए। कुछ नया चीज खरीदना चाहते हैं तो आप इस डेट को रखिए। तो डेट्स आपके लिए हो जाते हैं 5 तारीख, 6 तारीख, 12 से 16 तारीख, 23 से 27 तारीख। और वहीं बैड डेट्स में आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन करने वाले तो अवॉइड कीजिए। कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट होने वाला है तो भी आप अवॉइड कीजिए, ये डेट आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो ये हो जाते हैं डेट्स में 3 तारीख, 4 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। देखिए उपाय में आपको आपके शनि की 7.5 में आप हैं, हालांकि शनि की 7.5 के आप पहले चरण में हैं, तो उपाय में आपको शनि का जाप करना है। ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप नियम पूर्वक करें। शनिवार को शनिदेव को आप नियम पूर्वक तेल चढ़ाएं। किसी गरीब को लास्ट सैटरडे को चला छना चीज अगर आप खिलाएंगे तो उससे आपको फायदा होगा। और देखिए यहाँ पे आपके मंगल के घर पे मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है तो आप कोई हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर आप जाए मंगलवार को। और अगर आप हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ इस समय कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube में देख रहे हैं तो
तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।